हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो अभी का प्रेजेंट टाइम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो जोशीमठ से कनेक्टेड है। साथ ही साथ जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हिमालय पे चल रहे हैं और उत्तराखंड में चल रहे हैं, उस रीजन में चल रहे हैं, और उसके सिग्निफिकेंस को हम समझेंगे इस वीडियो की मदद से। सो टॉपिक जो ये टॉपिक हम मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ, ये ऑलरेडी काफी समय से न्यूज में है, इससे बहुत सारी रिपोर्टें छप चुकी हैं और डिटेल डिस्कस हो चुका है। तो इस साल के लिए ये टॉपिक फिर से इम्पोर्टेंट बन चुका है क्योंकि जो अभी त्रासदी चल रही है जोशीमठ में उसके लिहाज से ये फिर से एक बार यूपीएससी के मेंस के प्रिपरेशन में इम्पोर्टेंस रखता है और पूछा जा सकता है। साथ ही साथ प्री से जुड़े हुए सवाल भी इसमें बन सकते हैं। सो इसको आज हम मिलकर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो द टॉपिक इज व्हाई आर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन द हिमालयाज रिस्की। ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है हिमालय रीजन पे वो रिस्की क्यों है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं मेजर टैगलाइन से जो इस पूरी प्रेजेंटेशन में हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। पहला कि क्या चीजें हैं जिन्होंने जोशीमठ को एल्स मतलब खराब किया, बीमार किया, वो क्या कारण है जोशीमठ के जिसकी वजह से ये न्यूज में है, और उसके पीछे के एनवायरमेंटल रीजंस क्या हैं। उसके साथ ही साथ हिमालयन माउंटेन सिस्टम को हम समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी ज्योग्राफी को समझेंगे इसमें, सो दैट कि हमें जो इससे जुड़े हुए सवाल हैं उनको कवर करने में आसानी रहे। साथ ही साथ हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम पहले बहुत दिनों से एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उनको समझेंगे, और उसके एक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस क्या हैं उन पे भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो पिक्चर मुझे मिली है द हिंदू की वेबसाइट से भी की एक प्रेजेंटेशन है वहां से मुझे मिली है, आप भी उसे रेफर कर सकते हो। तो ये एक चार्ट है समझाने का, एक मैप है कि हाइड्रो पावर पोटेंशियल कितना है इंडिया के अंदर, हिमालयन साइट्स पे कितना ज्यादा है। समझने वाली बात ये है कि इन सारे इस जो रीजन की जो बात हो रही है, आप देख रहे होंगे बहुत सारे हाइड्रो पावर पोटेंशियल प्रोजेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया गया है, और रिपोर्ट के हिसाब से 66 प्रोजेक्ट जो है प्रपोज है जिनमें से 16 ऑलरेडी ऑपरेशन में चल रहे और सारे के सारे हाइड्रो पावर पोटेंशियल की ओर इंगित करते हैं। पॉइंट ये है कि इस रीजन से निकलने वाली नदियों में बहुत ज्यादा वेग होता है, ऊर्जा होती है, और इसीलिए उस ऊर्जा को कैप्चर करके बिजली बनाने का एक बहुत ही अच्छा स्कोप इस रीजन में होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे इस रीजन में और इस रीजन में आप जो है ज्यादातर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाने का या लगाने का डिसाइड किया जाता रहा है और काफी दिनों से चल भी रहा है। सो अगर देखें तो इस यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाने का कोई ऐसा किसी भी गवर्नमेंट का ये इंटेंशन नहीं है कि वहां की इकोलॉजी को डिस्टर्ब करें, पर क्योंकि हम सब लोग विकास की तरफ ध्यान देते हैं और कोई भी गवर्नमेंट देना चाहेगी तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को यहाँ इम्प्लांट करने का ये एक सबसे बड़ा कारण है कि वहां की जो नदियां हैं उनमें वेग ज्यादा होता है और उसकी जो पावर फोर्स को कैप्चर करके हम हाइड्रो पावर या बिजली बनाने का एक अच्छा सोर्स मानते हैं, जिसकी वजह से यह सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ प्लान किया गया है। तो ये तो था वो चार्ट जिससे हम समझ सकते हैं कि हिमालयन साइट्स पे या हिमालय पे जो प्रोजेक्ट प्लांटेड है उसके बारे में एक डिटेल हमको मिल जाता है। आगे समझते हैं कि एक्चुअली जोशीमठ है कहाँ। जो आजकल न्यूज में चल रहा है आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल मिलेंगे जहां पे उसके बारे में, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में, इम्प्लीकेशंस के बारे में आपको पता चलेगा, बट ये भी समझना जरूरी है कि जोशीमठ एक्चुअली है कहाँ। ये जो आर्टिकल है वो न्यूज 18 की क्रिएटिव वेबसाइट से मुझे मिला है। वेयर इज जोशीमठ? जोशीमठ इज अ सिटी इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड ऑन द ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे NH7 पे है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से ये 6150 फीट ऊंचाई पे है और इसका जो लेवल हमेशा जो सी लेवल से लेकर के हाइट जो हमेशा पहाड़ की इस तरह से लिखी जाती है, हाइट फ्रॉम सी लेवल। नाउ जोशीमठ सीज अ लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट बिकॉज इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेवरल ट्रैक्स एंड ट्रेल्स इन हिमालय। ध्यान दीजिएगा कि जो ये इलाका है जोशीमठ का जो इलाका है वो धार्मिक स्थल से जुड़ने वाला पहला पॉइंट माना जाता है। साथ ही साथ आसपास बहुत सारे ट्रैक्स हैं उनको भी शुरू करने का इलाका है, बद्रीनाथ केदारनाथ की चढ़ाई भी यहां से शुरू होती है, और इसलिए इसका सिग्निफिकेंस धार्मिक आधार पे प्लस स्ट्रेटेजिक आधार पे अगर आप आगे की मैप में देखेंगे तो जो इसका लोकेशन है वहां से चाइना भी बहुत पास में है, इस वजह से इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। इस मैप से हम समझ सकते हैं कि जोशीमठ जो यहाँ पे सेंटर दिख रहा है आपको, आप देखेंगे सबसे पहले जो बॉर्डर के पास यहाँ पे चाइना आपको दिखाई देगा, इसका सिग्निफिकेंस यहां से बढ़ता है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस।
उसके साथ ही साथ केदारनाथ आपको दिख रहा होगा, बद्रीनाथ दिख रहा होगा। यहाँ की जो इसकी चढ़ाई की शुरुआत भी यहाँ से होती है, और इसके साथ साथ आदि शंकराचार्य के जो जो मठ है उनका जो कार्डिनल सोर्स ऑफ मठ भी यहाँ पे माना जाता है। सो इसलिए ये जो जगह है दैट इज इम्पोर्टेंट। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपको रेड रास्ता ये दिख रहा है, ये ओली रोप वे यहाँ बनाया जा रहा था उसका रास्ता है, और जोशी मठ बाईपास रोड जो ये आपको दिख रही है वो यहाँ पे इसमें हाईलाइट होती है, ठीक है। और इसके पास ही जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे एंगल दिख रहा है दैट इज एनटीपीसी तपोवन विष्णु का थाइडल प्रोजेक्ट, जिसका नाम बहुत ज्यादा अभी न्यूज में चल रहा है। एक प्रोजेक्ट है वो, तो जैसे मैंने कहा कि 16 प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जिसमें से 66 नंबर्स को लिया गया था, और 16 अभी भी ऑपरेशनल है, अभी भी चल रहे हैं और आसपास के इलाकों में भी चल रहे हैं, जिसके चलते और भी चीजें एक्सपेक्ट की जा रही है कि अगर इस आपदा को नहीं समझा गया, जैसे कि आज के न्यूज़पेपर में भी था कि ये रिक्वेस्ट डाली गई है कि इसको एक नेशनल डिजास्टर घोषित करा जाना चाहिए, अगर इसको नहीं माना गया तो आसपास के इलाकों पर भी इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इस बॉक्स में कुछ ऐसी चीजें मेंशन है जो ये बताती हैं कि जोशीमठ को खराब करने वाले या उसकी बीमारी का कारण, ये इसका मतलब होता है बीमारियां लगाने वाला या लगाने का कारण क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो वहां के उस इलाके को डिस्टर्ब कर रही हैं। पहला तो है कि सेटल्ड ऑन अप्रोक्स 550 मीटर ऑफ डेब्री फ्रॉम द पास्ट लैंडस्लाइड्स डाउन द टाउन हैज लो सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी। पहली बात तो ये डेबरी का मतलब होता है गाद, तो पहाड़ों से लाई हुई, नदियों के द्वारा लाई हुई गाद पे बना हुआ ये इलाका है। और ध्यान दीजिए, अगर आप ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में देखें तो जो हिमालय का निर्माण भी है वो भी कुछ ऐसा ही है, जैसे कि जब दो बड़ी बड़ी अगर आप थोड़े से ज्योग्राफी के रेफरेंस में हम उसको समझेंगे थोड़ी देर बाद, तो गाद का मतलब होता है कि नदियों द्वारा लाए गए जो भी मटेरियल होता है उसको एक जगह इकट्ठा कर देना, और इकट्ठा होते होते लेयर पे लेयर बनते 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 एक पहाड़ का निर्माण हो गया, उसके एक टॉप पे जोशीमठ क्रिएट हो गया, ऐसे मानिए। तो कहना चाह रहे हैं कि सेटल्ड ऑन अप्रोक्स 550 मीटर ऑफ डेब्री, इतना तो गाद के ऊपर ही जगह बनाई गई है, जो कि द टाउन हैज लो सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, और जो ये जगह है इसकी जो सॉइल बेयरिंग मतलब मिट्टी की सहन करने की शक्ति बहुत कम है, ठीक है। और इसके पहले जो लैंडस्लाइड्स हुए हैं वो भी एक बड़े कारण रहे हैं। नाउ दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट है, नो ड्रेनेज सिस्टम इस जगह का। इवन सिर्फ जोशीमठ की बात नहीं है, आप आसपास के इलाकों में ऐसी कई सारी पहाड़ों की मैं बात कर रही हूँ, ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाना एक मुश्किल काम भी है, आप ऐसे मानिए। तो वहां पे कई जगह ऐसी आपको देखने को मिलेंगी ज्योग्राफी में, अगर आप जाके देखेंगे आसपास के ड्रेनेज सिस्टम को हम कवर अप करें अगर डिटेल में, तो ये पता चलेगा कि वहां पे अनप्लान्ड सेटलमेंट ज्यादा है और ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, एंड वाटर सीपिंग इन हैज फर्दर रिड्यूस द बेयरिंग कैपेसिटी। और अगर किसी पहाड़ में बीच में पानी रिसता है तो किसी भी तरीके से, वो ड्रेनेज का पानी हो चाहे पहाड़ों का पानी हो नदियों का पानी हो, तो उसकी भी बेयरिंग कैपेसिटी धीमे धीमे कम होती जाती है, जो कि एक बड़ा कारण था अभी फिलहाल की जो घरों में दरारें आई हैं वो उनमें से एक कारण इसको भी बड़ा माना जा रहा है, कि जब आपने वहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर लगाए तो बीच में जब उसकी बोरिंग होती है उसको क्रिएट करने के लिए, तो उसके पानी ने पहाड़ों को इफेक्ट किया, पानी बहता रहा और वहां पे पहाड़ धस गया, ये बड़ा कारण माना जा रहा है। नाउ एनटीपीसी टनल मे बी द कॉज बट नो एक्सपर्ट फ्रॉम जीएसआई, एनटीपीसी कारण हो सकता है पर जीएसआई आईआईटी रुड़की और बड़े संस्थानों ने अभी तक इसके लिए कोई भी कॉमेंट नहीं किया है इस टनल को लेकर के, जो टनल बनाई जा रही थी एनटीपीसी की। कहा जा रहा है कि जोशीमठ के टॉप के नीचे जो गाद इकट्ठी है वहां पे एनटीपीसी की टनल क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से ये सब जो पहाड़ धसने की एक्टिविटी हुई है, बट दैट इज नॉट वन ऑफ द रीजन, क्योंकि अभी ये प्रूफ नहीं है डेटा के हिसाब से। Now, population and tourism pressure leading to deforestation and occupancy of unstable land areas. तो है ही कि पहाड़ों पर टूरिज्म के एक्सपेंशन की वजह से लोग वहां पर ज्यादा जाते हैं, जिससे डिफॉरेस्टेशन की घटना होती है, पहाड़ों के पेड़ काटे जाते हैं और जिसकी वजह से जो उनकी ग्रिप है पहाड़ों पे वो चली जाती है। आप ध्यान दीजिए, जो पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, सिर्फ पेड़ काटना सिर्फ इसलिए नहीं कि ग्रीनरी जाएगी और वाटर जो एयर पॉल्यूशन है बढ़ेगा ना, जिनकी जड़ें होती हैं वो वहां की मिट्टी को बांध के रखती हैं, तो जितना डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा वहां की मिट्टी में पकड़ खत्म होगी और पहाड़ों की ग्रिप चली जाती है, जिसकी वजह से इस तरह के लैंड एरियाज में
और साथ ही साथ फ्लड, जो फ्लड का बड़ा कारण है, जो क्योंकि अब जब उनकी ग्रिप चली जाएगी और इसकी वजह से जो बारिश होती, जब बारिश अगर हो रही है तो मिट्टी बंधी हुई नहीं, मिट्टी बंद खुल जाती है और खुलने की वजह से लैंडस्लाइड पॉसिबल है और फ्लड जो है वो काफी बड़ा डिजास्टर करती है। नाउ सब सरफेस ग्राउंड मोशन लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स। नाउ जिसकी सब सरफेस है जो जमीन की, वो क्या हो रही है, उसमें क्रैक पड़ रहे हैं क्योंकि ये सारे कारण एक बार एक ही करके जमीन को खोलने का काम कर रहे हैं। इसकी वजह से जब जमीन अपना बैलेंस खो रही है तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्रैक्स आएंगे। सो जो सब सरफेस है उसमें ग्राउंड मोशन पे आज कर रहा है लीडिंग, मतलब जो उसको ले जाता है क्रैक्स की तरफ और क्रैक्स का निर्माण वहां हो रहा है। नाउ लीकेज एंड फ्लो ऑफ वाटर एट प्लेसेस लोकेटेड बिलो बिल्डिंग्स। और बिल्डिंग्स के नीचे जो लीकेज है, यही जो ये मेन कारण समझने वाला है कि आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको उत्तराखंड की फ्लड याद हो, केदारनाथ फ्लड याद हो, तो आपने देखा होगा एक पिक्चर में कि पानी गुजर रहा है और बिल्डिंगें गिर रही हैं, क्योंकि बिल्डिंगों के नीचे या आसपास जो नदियों का एक्सपेंशन है उसे नीचे की मिट्टी कटती रहती है बराबर और लीकेज होता रहता है। हो सकता है कि आपने सरफेस पे घर बना लिया पर आपको ये पता ही नहीं है कि ये तो नदी का घर था। जिस एरिया पे आपने घर को क्रिएट किया है या बड़ी बड़ी सोसाइटीज बनाई हैं, आप हम भूल गए कि ये जो कवरेज है वो नदी का कवरेज है। जैसी बारिश होगी उसको वो अपनी जगह पे नदी बहना चालू हो जाएगी और जिसकी वजह से नीचे लीकेजेस या पानी का एक्सपेंशन होगा और इससे बड़ी पॉसिबिलिटी होती है घर के गिरने की या उसके डिमोलिश होने की। दूसरा रीजन है However, source of water not yet identified and requires further investigation। जबकि जो चीज ये बताई जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो 100 साल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, 200 साल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके पहले की इंफॉर्मेशन तो नहीं अवेलेबल है। साथ ही साथ अभी प्रेजेंट में जो ये रीजन बताया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। तो ये सारे कुछ मेजर रीजन समझ में आए मुझे आपके साथ शेयर करने के लिए। इनमें अभी इजाफा हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं, पर मेजर ऑप्शंस ये हैं, रीजन ये हैं वहां के इलाके को खराब या एल करने के लिए या वहां डिजास्टर को क्रिएट करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ज्योग्राफी को भी समझेंगे सो दैट कि हमें अपनी पेपर राइटिंग में और क्वेश्चंस को आंसर करने में आसानी हो। सो हिमालय के बारे में हमें समझना जरूरी है इस सारे बैकग्राउंड को समझने के लिए। ना हिमालयाज और हिमालय माउंटेन सिस्टम, वैसे तो हिंदी शब्द हिमालय है, कहीं कहीं आप हिमालयाज हिमालयन समझेंगे, बट द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज सेम, हिमालय की बात हो रही है। ये जो माउंटेन सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा, हिमालय कोई एक सिंगल पहाड़ नहीं है, ये माउंटेन पहाड़ों का एक सिस्टम है, राइट। बहुत सारे पहाड़ों का लगे होना एक साथ सिस्टम कहलाता है। नाउ सदर्न, जो सदर्न एशिया में है, इट फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत टू द नॉर्थ एंड द प्लेन्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू द साउथ। तो क्या होता है, ये बैरियर क्रिएट करता है किसके बीच में, एक आप देखेंगे कि एक ये आर्च की तरह है, ये एक आर्च की तरह है यहाँ पर, और जिसमें जो ये बैरियर है तिब्बत की तरफ से, जो तिब्बत यहां पड़ता है, और नॉर्थ, जो ये नॉर्थ का प्लेन है, इसके बीच में एक बैरियर का काम करता है। एंड द प्लेन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू द साउथ, इट कंस्टिट्यूट द ग्रेटेस्ट माउंटेन सिस्टम ऑन द अर्थ एंड इंक्लूड्स मोर देन 110 पीक्स है इसके, राइजिंग टू एलिवेशन अबाउट 24,000 feet, जो समुद्री लेवल से ऊपर, सी लेवल के ऊपर की बात हो रही है, 77,300 meter, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट, जो एवरेस्ट की सबसे बड़ी चोटी है, उसमें से एक कितनी और पीक शामिल है, 110 पीक इसमें शामिल है जो चोटियां हैं, और इसके साथ ही साथ इट कंस्टिट्यूट द ग्रेटेस्ट माउंटेन सिस्टम, अभी तक का ग्रेटेस्ट माउंटेन सिस्टम है। तो हम ये समझ रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे भी क्रिएट होता है जो ये कि जो हिमालय है वो एक आर्च की तरह या आर्क की तरह, आर्च या आर्क बोलेंगे, ARC, दैट इज अ वर्ड, आर्क की तरह दिखाई पड़ता है, प्रतीत होता है, इसको साबित करिए और इसका इंपॉर्टेंस, एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सो इसको आप लिख सकते हैं, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें, सो आप देखेंगे कि यहाँ पे कई सारी रेंजेस को आप लोकेट करेंगे, जैसे आप देखिए एक रेंज ये है, एक रेंज ये है यहाँ पर, फिर एक लाइन, ये लंबी सी जो लाइन्स आपको दिख रही है ये सारी रेंजेस हैं, जिसमें से शिवालिक एक रेंज है, फिर उसके बाद काराकोरम आपको जो पीक दिख रहा है यहाँ पे, कैलाश, कामेद, नंदा देवी, ग्रेटर हिमालयास, तो इस तरह एक अलग अलग डिवाइड है, पूरा सा पूरा का पूरा जो पहाड़ है, जो सिस्टम है वो डिवाइड है। इसकी भी डिटेल में अगर आप NCERT में चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल ये रेफरेंस के लिए मैंने पिक्चर ली है, जहां से आप समझ सकते हैं कि जो पहले आप देखेंगे कि कुनलुन, यहाँ पे कुनलुन माउंटेन से काराकोरम लद्दाख
जास्कर रेंज है, ये रेंज है, लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है, शिवालिक यहाँ पे है, कैलाश, कामेत, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, जो जो इसकी जो हाईएस्ट रेंज है, कंचनजंगा इधर है, माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट रेंज आपको नेपाल में मिलती है, नमचा बरवा, फिर उसके बाद माउंट एवरेस्ट की जो रेंज आपको दिख रही है यहाँ पर। तो ये जो इलाका आपको दिख रहा है ये सारा का सारा तीन पार्ट में डिवाइड है ऐसे करके। सो आप देखेंगे ईस्ट, मिडिल वाला पार्ट और वेस्ट का पार्ट, जिसमें कुछ पार्ट आप हिंदू कुश की जो रेंज चली जाती है वो भी इसे की कनेक्ट होती है यहाँ पर पामीर के पठार पे, पर एक नॉट है, पामीर का नॉट है ऐसे करके यहाँ पे कनेक्ट होता है, पर फिर भी यहाँ से एक रेंज हिंदू कुश रेंज क्लियर हो जाती है जो पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है। सो ये पूरा का पूरा पहाड़ जो है दो बड़े पार्ट को डिवाइड करता है, एक प्लेट्यू है, तिब्बत का पठार है, उसके बीच भी उसके और जो हमारा नदन प्लेन्स है उसके बीच एक बैरियर का काम करता है, एक आर्क की तरह काम करता है। तो ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, ये तो हो गया हिमालयन सिस्टम। अब समझते हैं कि एक्चुअली उसमें क्या क्या चीजें और हैं जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी हैं। द सिस्टम एक्सटेंड सम 150 मीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक का जो सिस्टम है हमारा वो कितना है 2500 किलोमीटर का है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एंड कवर अबाउट 230,000 स्क्वायर मीटर जो कवर करता है, 230,000 स्क्वायर मीटर एरिया को कवर करता है, ठीक है। इट इज ट्रेडिशनली डिवाइडेड इंटू फोर पैरेलल रेंजेस, मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा माउंटेन सिस्टम डिवाइड है रेंजेस में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की एरिया बताया, फिर नॉर्थ से साउथ का एरिया बताया। तो टेथिस जो इसके जब पहाड़ी नहीं था तो दो जो इसके पहले यहाँ पे क्या था, टेथिस सागर हुआ करता था और जिसको जो बाद में तिब्बत बन गया। तो अगर आप जिन्होंने ज्योग्राफी को रेफर किया है तो उसमें साफ साफ टेथिस सी का नाम लिया गया है कि पहले यहाँ पे जब ये हिमालय नहीं था और इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में नहीं टकराई थी तब यहाँ पे टेथिस सी हुआ करता था, और उसकी आगे की कहानी हम समझेंगे। Now, Himalayas, the great Himalayas, including the major peaks भी हैं, the lesser Himalayas और उसके बाद outer Himalayas और lowest peaks। So, इस तरह उसको divide किया गया है कि outer Himalaya कौन सा है, internal Himalaya कौन सा है, middle वाला इलाका कौन सा है, और इस तरह से ranges को भी divide किया गया है। Now, it acts as a great climatic divide। इसमें कोई यही same question बना है कि जो ये आर्च नुमा आकृति है, जो ये आर्च बना हुआ है वो क्या है, एक क्लाइमेटिक डिवाइड है, मतलब दो क्लाइमेट्स को डिवाइड करने में मदद करता है या डिवाइड करता है, कॉजिंग हैवी रेन एंड स्नो ऑन द सदर्न साइड बट एरिडिटी नॉट ऑन द रेंज। मतलब सब ध्यान दीजिएगा, इस तरफ कौन सा देश है, चाइना, और चाइना की वेदर जो है बहुत ही ठंडी और वहां पे एक टाइम पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। तो अगर आप ध्यान दें कि इस आर्च की इस तरफ जो हमारा इंडिया का इलाका है उसकी चाइना की क्लाइमेट और इंडिया की क्लाइमेट के बीच में बैरियर है, तो वहां की वेदर से हमको ये बचाता है, जो एक्सट्रीम कोल्ड की सिचुएशन होती है उससे हमको बचाता है। And represent at many points a virtually impassable barrier even by air. So इतना क्योंकि इसकी height बहुत ज्यादा है तो वहां से deviate करना, climate को move करना थोड़ा difficult होता है। The mountains, glacier and snows are the source of 19 major rivers. और ये हमारे लिए important है जोशीमठ की issue के लिए कि क्योंकि ये ऊंचा पहाड़ है और क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है तो द माउंटेन, ग्लेशियर एंड स्नोज आर द सोर्स ऑफ 19 मेजर रिवर्स, ध्यान दीजिएगा। तो इसी का कारण है कि वहां पे बर्फ जमती है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े जो स्नो या फिर बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं जो 19 बड़ी नदियों को सोर्स करते हैं, या मतलब उन बड़ी नदियों को क्रिएट करने का सोर्स है, जिसमें से इंडस रिवर सिस्टम है, गैंजिस रिवर सिस्टम है और ब्रह्मपुत्र। आप ध्यान दीजिए ये रिवर सिस्टम क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बड़ी मुख्य नदियां हैं और इनसे कई अन्य ट्रिब्यूटरीज और सहयोग वाली और नदियां निकली हैं। तो इंडस हो गया, गैंजेस, गंगा हो गई हमारी और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। नाउ क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि अभी जैसे मैंने कहा कि यूरेशियन प्लेट से या एशिया की प्लेट से जब इंडियन प्लेट टकराई नहीं थी तब पहले यहाँ पे टेथिस सी हुआ करता था, जैसे कि यहाँ पे इस लाइन में लिखा हुआ है टेथिस सी यहाँ हुआ करता था। तो अब इस मैकेनिज्म को समझते हैं, इसी से सारी कुछ चीजें हमें समझ में आगे भी आएंगी, ठीक है।
ओके नाउ समझते हैं कि एक्चुअली प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है। ये थोड़ा सा ज्योग्राफी में जा रहे हैं हम। तो टेक्टोनिक्स का मतलब होता है कि जो जो हमारा पूरा विश्व कई सारी प्लेटों पर टिका हुआ है। अगर आप ध्यान दें, देखिए यूरेशियन प्लेट दिख रही है आपको, फिलीपीन प्लेट दिख रही है, साउथ अमेरिकन प्लेट दिख रही है, नस्का प्लेट दिख रही है। तो जितने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, अगर हम आज से 200, 300, 400 साल पुरानी बात करें, तो ये सारे सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं जिनको हम आज नाम दे चुके हैं, वो कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड थे। समय बदलता गया और ये सारी की सारी जो प्लेट्स हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स और देश बसे हुए हैं, वो पानी के साथ मूव करते करते अपनी जगह बदलती रहती हैं और उन्होंने बदला भी। तो जो कभी कभी जो हमारा एशिया कभी किसी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कभी इधर का हिस्सा हुआ करता था, और कभी जो हमारा अफ्रीका है वो साउथ अमेरिका का हिस्सा हुआ करता था। पर क्योंकि समय के साथ चीजों में परिवर्तन आता है, इसीलिए जो टेक्टोनिक्स का मतलब हो गया, जो प्लेट जो होती है जिसके ऊपर सब कॉन्टिनेंट आधार बसते होते हैं, वो भी मूव करती है। लेकिन ये मूवमेंट की एरिया दिखा रहा है कि देखिए ये जो प्लेट है वो यहाँ मूव कर रही है, नस्का प्लेट इधर उधर मूव कर रही है, साउथ अमेरिकन के नीचे ये स्कॉशिया प्लेट यहाँ मूव कर रही है, इवन देन जो हमारी इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट में हिट कर रही है। देखिए यहाँ पे एरो बना हुआ है। तो एज पर ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन ये सारी प्लेटें समय के साथ यहां वहां मूव करती हैं, और यही कारण था कि जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट से कभी किसी और कॉन्टिनेंट का हिस्सा होते थे और समय के साथ अलग अलग हिस्सों में टूट करके किसी और कॉन्टिनेंट में जुड़ गए। इसे वो कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। नाउ प्लेट टेक्टोनिक्स इज द थियोरी दैट अर्थ आउटर शेल इज डिवाइडेड इंटू सेवरल प्लेट्स दैट ग्लाइड ओवर द मेंटल द रॉकी इनर लेयर अबव द कोर। इसको समझने का सिर्फ आधार या मैं ज्योग्राफी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस समझने के लिए बात समझनी जरूरी है कि जो ऊपर की जो प्लेट पे जहां हम आज देखते हैं कि भारत है, एशिया है या अफ्रीका है, ये सारी जो लेयर्स हैं जो जिनको प्लेट कहते हैं, ये पानी के साथ जो पानी के मूवमेंट के साथ या फिर पृथ्वी के मूवमेंट के साथ यहां वहां देशों में अटैच हो गई समय के साथ, और जिसकी वजह से नए कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ। और इसीलिए कहते हैं अर्थ आउटर शेल जो बाहरी ऊपरी लेयर है वो मूव होके कहीं और कनेक्ट हो गई, और इसी को कहते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स चेंज होती रहती हैं। सो प्लेट टेक्टोनिक्स इज द थ्योरी, एक ये थ्योरी है अपने आप में, दैट अर्थ आउटर शेल जो बाहर की शेल है वो डिवाइड्स इनटू सेवरल प्लेट्स, एक प्लेट कई प्लेट में टूट जाती है और ग्लाइड करते करते रॉकी इनर लेयर अबव द कोर, और जो ग्लाइड करते करते अलग अलग प्लेटों से जुड़ जाती है। ठीक है, नाउ द प्लेट्स एक्ट लाइक हार्ड एंड रिजिड शेल्स कंपेयर टू अर्थ मेंटल। ठीक है, तो ये इन्होंने ज्योग्राफिकल वर्ड यहाँ यूज करें उसमें जाने के बजाय ये समझ लीजिए कि समय के साथ जैसे जैसे अर्थ की जो सरफेस है वो यहाँ वहां मूव करती है। अब कहने को तो जो इंडियन प्लेट है वो भी अर्थ की सरफेस है, जी हाँ बिल्कुल है, लेकिन समय के साथ जो मैं अभी 10-15 साल की बात नहीं हो रही है, हजारों सालों में बात हो रही है, 300-450 सालों की बात हो रही है, उससे ज्यादा की बात हो रही है, समय के साथ ये प्लेट टूट करके यहाँ वहां कनेक्ट हो गई और जिसकी वजह से नए सब कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ। आप समझते हैं इसकी आगे की कहानी, क्योंकि प्लेट टूट करके किसी और कॉन्टिनेंट में जुड़ी, और यही कारण है कि जो इंडियन प्लेट को जो आज इंडिया के नाम से हम समझते हैं, ये कभी किसी और कॉन्टिनेंट से जुड़ी थी, और सालों पहले, कितने साल पहले, कम से कम 40 से 50 मिलियन ईयर्स अगो, 1,000,010,000 का होता है, तो समझ जाइए इतने सालों पहले एक जो इंडियन प्लेट जिसको हम जानते हैं वो यहां से शिफ्ट करते 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 यूरेशियन प्लेट पे जाके हिट हो गई। जैसे कि देखिए इंडिया लैंड मास 70 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे थी, फिर आप देखिए इंडियन लैंड मास 50 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे थी, और फिर इंडिया फाइनली आके इसमें हिट कर गई। तो एक जमीन का टुकड़ा ट्रैवल करते करते जाके कोलाइड कर गया दूसरी प्लेट में, और कितने समय पहले की बात है, 40 से 50 मिलियन साल पहले। व्हेन टू लैंड लार्ज लैंड मास, उसको कहते हैं जमीन के बड़े टुकड़ों कहते हैं लैंड मास, इंडिया एंड यूरेशिया ड्रिवन बाय प्लेट मूवमेंट कोलाइडेड। तो क्या हुआ, आपस में टकराई, बिकॉज बोथ दीज कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस हैव अबाउट द सेम रॉक डेंसिटी, वन प्लेट कुड नॉट बी सबडक्टेड अंडर द अदर, क्योंकि इन दोनों का जो लैंड मास का टाइप था रॉकी डेंसिटी थी, इनकी डेंसिटी एक जैसी थी, ऐसे मानिए कि दोनों आपस में जुड़ने के लिए बिल्कुल सेम टाइप के थे। तो इसमें जब ये टकराए तो ये एक दूसरे के अंदर धसे नहीं, आपस में जुड़ गए। अगर इनका टाइप अलग होता, ये होता सपोज करिए सैंडी होता
और ये होता रॉकी, तो क्या होता ये सैंडी सैंड लैंडमास रॉक में धस जाता, नीचे चला जाता। पर क्योंकि इन दोनों का जो लैंडमास स्टाइल था वो रॉकी था, चट्टानी था, इस वजह से ये जब दोनों से टकराए एक दूसरे से तो दोनों से भिड़े, एक दूसरे के नीचे नहीं गए, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, ठीक है, और बराबर इसी में कनेक्ट होते चले जा रहे हैं, भिड़ रहे हैं आज भी, और उसका कारण अभी हम देखेंगे। नाउ द हिमालयस द एंडीज एंड द अल्प्स, एंडीज और अल्प्स भी ऐसे ही ऐसे पहाड़ हैं जो दो प्लेट्स के टकराने में बने हैं। तो हुआ क्या, जब ये दो प्लेट आपस में टकराई तो जो यहाँ पे पहले समंदर होता था टेथिस सी, उसकी टकराने के बाद एक बड़े फोल्डेड रॉक माउंटेन का निर्माण हुआ जिसको हम कहते हैं हिमालय। तो जो ये जो आर्च आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस जगह एक फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ जिसे कहते हैं हिमालय, ठीक है, ये समझने वाली बात है। नाउ हिमालय की तरह ही एंडीज और आल्प्स दो और ऐसे फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड का मतलब होता है जिनमें दरार जैसे फोल्ड पड़े हो, मोड़दार कहते हैं, ठीक है, जिनपे मोड़ पड़ा हो उन्हें कहते हैं फोल्डेड माउंटेन। Now they are referred to as the young mountains of the world and hence they possess the same of the highest peaks present in the world. और यही नहीं कि से folded mountain का निर्माण हुआ, ये जो 40 से 50 million years की हम जो बात समझ रहे हैं, ये बहुत नए पहाड़ हैं, बहुत ही युवा पहाड़ हैं, जिनमें Andes और Alps भी है, ठीक है, दो पहाड़ हैं, इनको आप गूगल हम लोग गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। फिलहाल के लिए जो हिमालय है वो एक नया पहाड़ है जिसे कहते हैं, तो कितना नया है, 40 से 50 साल पुराना है, इतना नया है, ये फोल्डेड माउंटेन है। और जो यहाँ की जो बीच की गाद थी, जो समंदर में गाद इकट्ठा हो जाती है, तो ध्यान दीजिएगा जब भी दो प्लेट्स टकराती हैं आपस में तो उसके बीच की जो गाद होती है ना, उससे माउंटेन्स का निर्माण हुआ जिसे कहते हैं हिमालय, ठीक है। सो जो गाद इकट्ठा हो गई थी समंदर की, हम सब जानते हैं कि अगर आप समंदर में जाएंगे या नदी के छोर के नीचे जाते हैं तो वहां मिट्टी होगी, वहां गाद होगी, मिट्टी होगी, तो जो भी मिट्टी दोनों प्लेट्स के बीच में थी जब ये आपस में कोलाइड करी, तो नीचे से कोलाइड कर रही ना ऐसे आकर के, प्लेट तो यहाँ खत्म नहीं हो रही है, नीचे भी इसका सर्फेस है, तो जब ये आपस में टकराई तो नीचे की मिट्टी ऊपर आ गई और इस तरह से यहाँ पे फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं, तो ये है ये एक पिक्चर मुझे मिली है जो समझाने के लिए बहुत अच्छी है, जिसमें फोल्डेड माउंटेन्स कैसे बनते हैं बताया जा रहा है। देखिए दो क्रस्ट हैं, दो इनके हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ समझ रहे हैं कि दो प्लेट्स हैं और दो प्लेट्स ने आपस में एक दूसरे को कोलाइड किया, यहां से और यहां से कोलाइड किया, ठीक है। तो एक प्लेट की गाद ऐसे चली गई और एक प्लेट कोलाइड कर गई नीचे की तरफ, पर जो यहाँ का मटेरियल जो डबरी था जो यहाँ पे इकट्ठा थी गाद, वो ऊपर आ गई और ऊपर आने के बाद यहाँ पे फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण हुआ और वो कहलाता है हिमालय। इस पिक्चर से क्लियरली समझ में आ रहा है हमको कि जब यहाँ पे माउंटेन रेंज जैसे ही दो क्रस्ट आपस में टकराए, जैसे ही कोलाइड किए आपस में, देखिए यहाँ पे जो ये पिक्चर बन रही है ये आप हमारा बन गया हिमालय, ठीक है, और ये हमारा फोल्डेड माउंटेन है, एक नया पहाड़ है। अब आगे की कहानी, ये पिक्चर देखिए, आपको यहाँ पे फोल्ड्स दिख रहे होंगे, जैसे कि फोल्ड्स ये दिख रहे हैं, ये फोल्ड्स हैं, जो ये पिक्चर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है इस बात का कि ये फोल्ड हैं। ऑल्दो जो लोग कभी पहाड़ों पे नहीं गए हैं उनके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है। एक सवाल एक बार आया था प्री में कि जब आप पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो आपको हिमालय पे क्या दिखता है, मोड़दार पहाड़ दिखते हैं या रेंजेस दिखती हैं, इस तरह का प्री में एक सवाल आया था। तो लोग सोचते हैं कि पहाड़ पे जाएंगे तो क्या दिखता है, तो आप जब तक तो पिक्चर नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि पहाड़ दिखते कैसे हैं। तो ये पिक्चर ये इस बात का एग्जाम्पल है कि जब नए पहाड़ क्रिएट होते हैं तो उनमें कुछ ऐसी लहर टाइप की दिखाई देगी, और ये इसलिए है, ये आप देखिए अगर पिक्चर आपने नहीं भी देखी है पर आपने पढ़ रखा है कि हिमालय एक मोड़दार पहाड़ है उसमें फोल्ड्स हैं, तो आपको फटाक से प्री में समझ में आ जाएगा कि आपसे एग्जामिनर क्या आंसर चाह रहा है। पिक्चर ना भी देखी हो तब भी आपका काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सो ये कुछ लोकेशन आपको समझाने के लिए है कि सिर्फ हिमालय ही एक ऐसा पहाड़ नहीं है, और भी ऐसे पहाड़ है, जैसे रेड जो आपको रेड इलाका दिख रहा है ना यहाँ पे, ये सारी वो प्लेट्स हैं जो आपस में कहीं ना कहीं टकराई हैं किसी प्लेट से, और जहां वो टकराई हैं पहाड़ का निर्माण हुआ है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रॉकी माउंटेन्स, एंडीज माउंटेन्स, आल्प्स, हिमालयस और यहाँ पे सदर्न एल्प्स, यूराल, ये सारे ऐसे पहाड़ हैं जो टक्कर खाने के बाद, कोलाइड करने के बाद जन्म लिए हैं और वो फोल्डेड माउंटेन्स में से एक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। नाउ अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि हमेशा जब भी कोई इंफॉर्मेशन आपको मिले
कहीं से भी उसको कोशिश करिए कि आप गवर्नमेंट वेबसाइट से रेफर जरूर करिए। जैसे कि जैसे ही मुझे पता, जैसे ही मैंने सोचा कि एक टॉपिक है जिसमें ये समझ में आ रहा है कि कहा जा रहा था कि जोन एक वर्ड आ रहा था कि जोन 5 में है उत्तराखंड। जोन 5 क्या होता है? जोन 5 का मतलब होता है वो इलाके जो डेंजर जोन में है, जहां पे अर्थक्वेक आ सकता है, भूकंप की स्थितियां बनती हैं, तो उत्तराखंड उनमें से एक है। तो मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की वेबसाइट को सर्च किया तो मुझे बहुत ही अच्छा एक पॉइंट मिला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है। इस पिक्चर से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा ये इलाका है जहां पे हमारा हिमालय स्थापित है, क्योंकि जो हमारा नया मोड़दार पहाड़ है वो सिस्मिक जोन का एक बहुत बड़ा इलाका कवर करता है। सिस्मिक जोन का मतलब क्या है? जहां पे भूकंप आ सकते हैं। सो जो हमारा उत्तराखंड का जो इलाका है वो भी सिस्मिक जोन में आता है, जो जोन 5 है। और जोन 5 का मतलब बहुत ज्यादा रिस्क। ध्यान दीजिएगा, 4 जोन में डिवाइड किया गया है इन सारे रेड एरियाज को। रेड एरियाज हो सिर्फ स्पेसिफिक इस एरिया के लिए है, बाकी पूरे देश को कई जोन्स में डिवाइड किया गया है। और 59% जो है ऑफ लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज लाइबल टू सिस्मिक हजार डैमेज। तो 59% ही सिस्मिक हजार डैमेज है, जिसमें से जो रेड एरिया आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, और जो ये जो आपको उत्तराखंड भी जिसमें आता है वो जोन 5 में आते हैं। 10.79 जिनको पॉइंटर्स दिए गए हैं, जो भूकंप जनित इलाके हैं जहां भूकंप ज्यादा क्रिएट होने की संभावना है, क्योंकि ये पूरी प्लेट आपको ध्यान दीजिए इस पिक्चर के हिसाब से कोलाइड कर रही है। देखिए, जैसे क्योंकि प्लेट कोलाइड कर रही है और इसी वजह से हिमालय की जो हाइट भी बढ़ रही है, क्योंकि वो कोलाइड करना छोड़ नहीं रही है, जो इसका वेग है वो कोलाइड करता जा रहा है, और जिसकी वजह से जो जो ये इलाके हैं, देखिए ये बेल्ट भी है, यहाँ गुजरात का इलाका है जो इस बेल्ट पर टकरा रहा है, तो इसी इलाकों में ज्यादा भूकंप के क्रिएट होने के चांसेस भी रहते हैं, इसलिए जोन 5 में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे कोलाइड कर रही है, इन इलाकों में कोलाइड कर रही है, और यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि इसको यहाँ पे इस इलाके को ज्यादा कवर ऑरेंज में किया गया है, क्योंकि हाई रिस्क तो है, ऑरेंज का मतलब हाई रिस्क है, लेकिन जो इलाका ज्यादा भूकंप क्रिएट करने के एक्सपेक्टेशन में है उसको रेड से इन्होंने हाईलाइट किया है। तो ऑरेंज और रेड दोनों ही जोन खतरे के लेवल से ऊपर है। आप समझते हैं व्हाई इज एवरेस्ट स्टिल ग्रोइंग? जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि प्लेट बराबर कोलाइड कर रही है, जिसकी वजह से हमारे एवरेस्ट की हाइट भी बढ़ रही है। द कोलिजन बिटवीन द टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स इज स्टिल हैपनिंग टुडे। इंडिया कंटिन्यूज टू क्रीप नॉट बाय 5 सेंटीमीटर, 2 इंच इन ईयर, मतलब 2 इंच के हिसाब से हर साल उसकी हाइट बढ़ रही है, कॉजिंग एवरेस्ट टू ग्रो बाय 4 mm, मतलब 0.16 इंच पर ईयर, ऑल्दो अदर पार्ट्स ऑफ द हिमालयस आर राइजिंग एट अराउंड 10 mm पर। समझने वाली बात क्या है कि क्योंकि वो जो प्लेट कोलाइड करती चली जा रही है, और क्योंकि हमको पता नहीं चलता है, इतना बड़ा लैंड मास है, इतना बड़ा कवरेज है, पता नहीं चलता, लेकिन ये रियलिटी है, और इसी वजह से कि हिमालय की हाइट भी हर साल थोड़ी बढ़ती समझ में आती है एज पर द ज्योग्राफिकल डेटा अवेलेबल। नाउ व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? आते हैं अपने टॉपिक पे कि एक्चुअली क्योंकि ये यंग पहाड़ है, क्योंकि ये नदियों का सोर्स है, क्योंकि यहाँ पर ये सिस्मिक जोन है, फिर भी यहाँ पे हिस्ट्री क्या है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की, वो समझते हैं। इन द आफ्टरमैथ ऑफ केदारनाथ फ्लड, जब जो हमको सबको पता 2013 में आई थी, उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैड हॉल्टेड द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। तब उस साल भी सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स को रोकने का की बात बोली थी। पेंडिंग अ रिव्यू बाय द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑन द रोल सच प्रोजेक्ट हैड प्लेड इन एम्पलीफाइंग द डिजास्टर। और ऐसा माना गया कि इन प्रोजेक्ट्स की वजह से ये फ्लड आई थी, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसी जो न्यूज बनती समझ में आई थी, प्रूफ भी मिले थे कि वहां के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वहां पे एक लेवल पे पानी को रोक करके फोर्स से डिसॉल्व किया, छोड़ा जाता है, और वो पानी वहां के बैराज से छोड़ दिया गया जो फ्लड का जिसने रूप ले लिया। तो इसकी वजह से उनको एम्पलीफायर माना गया कि डिजास्टर बनाने के कारण यही है, और उस साल वहां पे किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मनाही की। फिर 17-member एक्सपर्ट कमिटी लेड बाय एनवायरमेंटलिस्ट रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में उन्होंने मिनिस्ट्री को एग्जामिन करने के लिए कमेटी बनाई, और रोल ऑफ 24 सच प्रपोज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को, जो 24 ऐसे प्रोजेक्ट थे जो अलकनंदा नदी से लेकर के भागीरथी बेसिन तक बनाए गए थे, विच कंटेन्स द गंगा एंड सेवरल ट्रिब्यूटरीज। और उसके बाद भी एक कमेटी के हिसाब से उनके सिग्निफिकेंस को समझने की बात समझी कि क्या वाकई ऐसा है, क्योंकि ये जब नया पहाड़ है इसकी पानी सहने की क्षमता भी अलग है।
अगर आप वहां पे बड़े यंग मोरदार पहाड़ है जो बराबर कोलाइड कर रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, और वहां पानी के बैराज बना दोगे, वहां पे आप पानी को स्टोर कर दोगे, तो वो उसको सह पाने की क्षमता कम है, क्योंकि वो एक नया मोरदार पहाड़ है, जैसा कि ज्योग्राफिकल डेटा के हिसाब से प्रूफ भी हुआ है, IPCC की रिपोर्ट भी है इसके ऊपर, ठीक है। नाउ द चोपड़ा कमिटी कंक्लूडेड द 24 प्रोजेक्ट्स वुड हैव एन इररिवर्सिबल इंपैक्ट। और इस चोपड़ा कमिटी ने ये बोला कि जो 34 प्रोजेक्ट ऐसे हैं ऑन द इकोलॉजी ऑफ द रीजन, उस रीजन की इकोलॉजी पे जो उनका इंपैक्ट है उसको वापस नहीं किया जा सकता, इररिवर्सिबल इंपैक्ट है इस वहां की इकोलॉजी पे। ये तो पहला प्रूफ आ गया। नाउ फॉलोइंग दिस, 6 प्राइवेट प्रोजेक्ट डेवलपर्स हुज प्रोजेक्ट्स वर अमंग दोज रिकमेंडेड टू एक्ट इम्प्लीटेड देमसेल्फ इन द केस ऑफ द ग्राउंड दैट सिंस देयर प्रोजेक्ट्स हैड ऑलरेडी बीन क्लियर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन बिफोर द केदारनाथ ट्रेजेडी, दे शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू। और क्योंकि वहां पर सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, प्राइवेट प्रोजेक्ट डेवलपर्स भी हैं, तो उन्होंने कहा कि केदारनाथ फ्लड के पहले उनको ऑलरेडी अलाउ किया गया था, तो उनको कंटिन्यू किया जाना चाहिए, और उसके बाद भी वो प्रोजेक्ट चलते रहे। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड अ न्यू कमिटी टू बी सेट अप टू एग्जामिन देयर केस। और इस तरह की कई कमिटीज आप देखेंगे, ये कमिटी फिर से विनोद टारे की कमेटी बनाई गई, उसके बाद बीपी दास के अंडर में एक एनवायरमेंट कमेटी बनाई गई, उन्होंने डिसेंटिंग रिपोर्ट दी, डिसेंटिंग का मतलब नीचे की तरफ जाना, रिपोर्ट दी। तो इस तरह के एनवायरमेंटलिस्ट, बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट के साथ साथ गवर्नमेंट ने कमिटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कमिटी बनाई, पर वहां पे कंस्ट्रक्शन बंद नहीं हुआ। उसके साथ ही साथ द वॉटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री देन बाय दैट टाइम हैज बीन कंसिस्टेंटली अपोज टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द गंगा। उसके साथ ही साथ वॉटर रिसोर्स मिनिस्ट्री को भी इस बात के लिए ऑब्जेक्ट किया जाता रहा, कि अपोज किया जाता रहा कि वहां पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नहीं लगाना चाहिए। इन द चार्ज ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द वॉटर मिनिस्ट्री हैज मेंटेन्ड दैट द क्लीननेस ऑफ द रिवर वॉज प्रिमाइज्ड ऑन मिनिमम लेवल्स ऑफ वॉटर फ्लो इन ऑल सीजंस एंड द प्रपोज प्रोजेक्ट कुड हिंडर दिस। और जो उन्होंने ये भी इवन देन ये भी बोला मिनिस्ट्री ने कि जो प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं ऑलरेडी, वो गंगा की सफाई में भी बाधक होते हैं, तो इसलिए शायद उनको कंटिन्यू किए जाना एक परेशानी का सबब हो सकता है। क्योंकि आपको याद होगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा भी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारी गवर्नमेंट का, जिसके चलते गंगा की सफाई के बारे में बहुत दिन तक काम चलता रहा, अभी भी चल रहा है। By 2019, however, the renamed Jal Shakti Ministry, उसका नाम बदल के जल शक्ति मिनिस्ट्री हो गया, had changed its stance to accommodate 7 out of 24 projects। और धीमे धीमे उन्होंने जो अपना उनका जो पक्ष था प्रोजेक्ट को लेकर के वॉटर मिनिस्ट्री का, वो चेंज हो गया, और 2019 में ऐसा हुआ, मतलब रिपोर्ट थी उसके बावजूद प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलती रही और काम चलता रहा। Now, its current position, however, is that barring these, it is not in favor of new projects in Ganga River Basin. तो अभी भी समझा जा रहा है कि जो ये floods आ रही हैं उसकी वजह से गंगा नदी के बेसिन पे इस तरह के projects को नहीं बनाना चाहिए, उसका favor नहीं मिल रहा है reports के हिसाब से। Though hearings in Supreme Court are ongoing, this is the first time that government has a formal uniform position on hydropower projects in the Uttarakhand region. और आप देखेंगे कि ऋषि गंगा हाइड्रोपावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, धौली गंगा रिवर, जो अभी फिलहाल जो आपका तपोवन जो प्रोजेक्ट है, विष्णुघाट तपोवन प्रोजेक्ट है, वो धौली गंगा रिवर पे बना हुआ है, और ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ और यही 2021 में उत्तराखंड फ्लड के लिए भी ये एरिया इफेक्ट हुआ था, और ये बड़ा कारण था, अलकनंदा नदी ही उनमें से एक वैसी नदी थी जिसने इस फ्लड को क्रिएट करने में बड़ा रोल निभाया था, और जिसकी वजह से और वहां का पूरी इकोलॉजी डिमोलिश हुई थी। दिस वॉज ड्यू टू द ब्रेक इन द रौंती ग्लेशियर दैट ट्रिगर्ड फ्लड इन द ऋषि गंगा रिवर, जो वहां का ग्लेशियर फटने की वजह से एक कारण बताया जाता है कि ऐसा हुआ था और फ्लड क्रिएट हुई थी ऋषि गंगा रिवर में। तो क्योंकि वहां का इलाका एक नए मोरदार पहाड़ का इलाका है, ग्लेशियर्स वहां बनते हैं, बादल फटने की घटनाएं होती रहती हैं, तो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी एक नेगेटिव रोल ही अदा कर रहे हैं, अभी तक इतना समझ में आ रहा है। अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है हिमालय की और उसके डिग्रेड करने में थ्रेट क्या है, एक्चुअली क्या समस्या है। द हिमालयन रेंजेस ट्रांसनेशनल माउंटेन चेन, ध्यान दीजिएगा
कि कई देशों से जुड़ी हुई एक माउंटेन रेंज है। हम सब जानते हैं कि इसमें पाकिस्तान का ऊपरी इलाका, नेपाल का इलाका, भूटान का इलाका और बाकी चाइना का बड़ा इलाका कवर, मतलब ट्रांसनेशनल, मतलब दो कई देशों को कवर करता हुआ एक माउंटेन चेन है एंड इज द चीफ ड्राइवर ऑफ द एशियन क्लाइमेट, और हमारे एशियन क्लाइमेट का मुख्य ड्राइवर है या प्रणेता है, नेतृत्व करता है। Now this is a source of numerous Asian river system and glaciers which are now under the threat of degradation. क्योंकि इससे कई सारी बड़ी नदियां निकलती है, हमने समझा कि इंडस नदी निकलती है, उसके साथ साथ हमारी गंगा नदी निकलती है, उसके बाद हमारी ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम निकलता है, तो उनके डिग्रेडेशन का भी कारण बनता है अगर उसको छेड़ा जाए। एंड रिट्रीव ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के चलते वहां पे फ्लड्स के इश्यू तो ऑलरेडी क्रिएट हो ही रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दीज रिवर सिस्टम प्रोवाइड वाटर फॉर बिलियंस ऑफ पीपल, तो अगर हम उन लाइव और जो जिंदा नदियों को छेड़ते हैं तो पहाड़ का सिस्टम डिग्रेड होगा ही होगा, पर जिससे उससे आस पास की जो जनजीवन है उसको भी हार्म होता है, क्योंकि फ्रेश जो ये नदियां हैं वो फ्रेश वाटर रिसोर्स भी हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो बैराज का पानी है और या फिर जो पावर प्रोजेक्ट में जो पानी को रोका जाता है पहाड़ों पे, उस पानी को आप कंज्यूम नहीं कर सकते, वो रुका हुआ पानी है, पर जो ये एशियन रिवर सिस्टम है इससे फ्रेश पानी निकलता है जो आसपास के जनजीवन को प्रभावित करता है अच्छी तरह पॉजिटिवली, और साथ ही साथ वो पीने लायक पानी है, तो अगर उसको आप हर्ट करेंगे तो माउंटेन सिस्टम डिग्रेड होगा ही होगा, जैसे कि जो अभी जोशीमठ में हो रहा है, आसपास का जीवन नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है, साथ ही साथ पीने का पानी और कई सारी चीजें ऐसी हैं जो नेगेटिव तरीके से इंपैक्ट होती है, इवन देन जल के अंदर जो जनजीवन है वो भी इफेक्ट होता है। Now, this legacy of humanity has now become highly contentious with territorial dispute between two nuclear powers, India and China. और यही नहीं, ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट भी आपस में क्रिएट होते रहते हैं देशों के बीच में इस पानी को लेकर के, जैसे कि हम सब जानते हैं ब्रह्मपुत्र को लेकर के, इवन नेपाल में भी डिस्प्यूट है नदी को लेकर के, सो ऐसे कई ऑर्डर अदर चीजें, दूसरी चीजें भी हैं जो क्रिएट होती रहती हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि हाई सिस्मिक जोन का इलाका है, तो जब क्योंकि हाई सिस्मिक जोन का इलाका है, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन की फाइट है, इवन देन अगर हम उसको क्रिएट करते हैं तो हमारे ही देश में अभी फिलहाल के लिए जो जोशीमठ का सिचुएशन है वो क्रिएट हो गया है, तो क्यों ना इसको हम लोग, इस गवर्नमेंट इसको रिवाइज करे, इसके ऊपर रिव्यू करे, और आज ही न्यूज़पेपर में एक प्ली लगाई गई है इस बात को लेकर के कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए। ये प्ली की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही करेगा, आई थिंक नेक्स्ट मंडे को करेंगे उसकी सुनवाई, तो अब उसके बाद न्यूज निकल के आएगी। अच्छा, तो अब चैलेंजेस क्या है हमारे सामने फेस करने के लिए, क्या मेन चैलेंजेस हैं? तो सबसे पहले कि ग्लेशियर मेल्ट टू ग्लोबल वार्मिंग, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग से तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स के पिघलने के भी चांसेस बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लेशियर पिघलेंगे तो वो पानी नदियों में आएगा, उसके बाद क्या होगा, फ्लड के चांसेस बढ़ते हैं, और जब फ्लड आएगी तो आसपास के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी नेगेटिवली इंपैक्ट होंगे। पहला, नाउ ग्लेशियर रिट्रीट एंड परमाफ्रॉस्ट थॉ आर प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ माउंटेन स्लोप, और जैसे जैसे ग्लेशियर की जो स्नो है और जो फ्रॉस्ट पिघलती है, साथ ही साथ उनके स्लोप्स की कैपेसिटी, पानी की कैपेसिटी सहने की भी कम होती है, एंड इंक्रीज द नंबर एंड एरिया ऑफ ग्लेशियर लेक्स, और क्योंकि वहां का पानी कैपेसिटी बढ़ेगी तो आसपास के माउंटेन सिस्टम को डिस्टर्ब करेगी और ऐसे और आपदाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि वहां की जो स्टेबिलिटी है पहाड़ों की वो भी कम होती है। नंबर थ्री, क्लाइमेट चेंज हैज ड्रिवन इरेटिक वेदर पैटर्न्स, और वहां की लाइक इंक्रीज स्नोफॉल एंड रेनफॉल, ठीक है, क्लाइमेट चेंज समझ में आ गया हमको। द थर्मल प्रोफाइल ऑफ आइस सेज एक्सपर्ट्स वाज इंक्रीजिंग, व्हिच मींस दैट द टेम्परेचर ऑफ आइस दैट यूज्ड टू रेंज फ्रॉम -6 टू -20 डिग्री सी, तो मतलब जब टेम्परेचर ही कम हो जाएगा तो वहां पे ग्लेशिएशन बढ़ेगा, और जब ग्लेशिएशन बढ़ेगा तो उसका इंपैक्ट नदियों में देखने को मिलेगा, आइसिंग कैप बढ़ेगी, और उसके चलते जब वहां का टेम्परेचर बदलेगा ग्लोबल वार्मिंग में, सब ध्यान दीजिएगा कि टेम्परेचर घटना और बढ़ना दोनों ही एनवायरमेंटल इफेक्ट हैं। ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि ग्लोबल वार्मिंग अगर है तो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं है, अगर ग्लोबल वार्मिंग है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ घट भी सकता है। So says expert was increasing, which means the temperature of ice that used to range -6 to -20 degree C was now -2 degree C, मतलब सेल्सियस ही रह गया है, जो -6 से -20 रहा करता था अब वो -2 रह गया है, जिसकी वजह से मेल्टिंग की सिचुएशन बढ़ सकती है। अभी ये हिमालयन रेंज की बात हो रही है।
It was these changing phenomena that made infrastructure projects in the Himalayan regions risky. और इसकी वजह से ये ranges बहुत risky हैं. Now अब समझते हैं कि वो जो हमारी committees हैं वो actually क्या कहना चाह रही हैं. Expert committees recommend that there should be no hydropower development beyond an elevation of 2200 meter. वो कह रहे हैं कि 2200 meter से ऊपर की ranges पे आप कोई भी hydropower project मत लगाइए. और especially Himalayan region पे. Moreover, with increased instance of cloud burst and intense spell of rainfall and avalanche, residents of the region were also placed in increased risk of loss of life and livelihood. क्योंकि यहाँ पे cloud burst की घटना हो सकती है, rainfall हो सकता है, avalanche मतलब जो glacier गिरते हैं, फटते हैं, वो हो सकता है, पहाड़ landslide हो सकता है, तो वहाँ के लोगों को जो risk zone है, वहाँ से हटा करके जो हटाने की बात नहीं बोल रही है, बोली जा रही है, बोल रहे हैं कि वहां की रिस्क को बढ़ाता है, जो लोग वहां रह रहे हैं उसके रिस्क को बढ़ाता है, और इसलिए वो रेकमेंड करते हैं कि 2200 मीटर से ऊपर के पहाड़ों पर हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर नहीं लगाए जाने चाहिए. नाउ अब इसको रिजोल्व करने का क्या तरीका है. हाउ कैन दीज कॉन्फ्लिक्ट्स बी रिजोल्व. द चैलेंजेस फेसिंग डेवलपमेंट हिमालयन रीजन आर मल्टीफेसेटेड, वो हम समझ चुके हैं. द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज सेड दैट इट्स पेइंग ओवर 1000 करोड़ एनुअली टू purchase electricity and therefore the more such projects are cancelled the harder for them to meet their development obligation. क्योंकि हम सबके लिए बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो वहां की गवर्नमेंट ने कहा, ये लास्ट ईयर की रिपोर्ट के हिसाब से है कि वो 1000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं बिजली लेने के लिए. नाउ इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सर की प्रायोरिटाइज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द रीजन. उसके साथ ही साथ हैवी इन्वायरमेंटल कॉस्ट, क्योंकि अगर हम बराबर उसमें डेवलपमेंट करते रहे और इसी तरीके से प्रोजेक्ट लगाते रहे तो ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती है. बट फिर भी जैसे कि अभी ग्रीन हाउस हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, जो कि हमारे जो तटवर्ती इलाकों में लगाने से इसको इसकी इस एनर्जी को बनाया जा सकता है, वो एक सोल्यूशन की तरह हम ले सकते हैं. क्योंकि उत्तराखंड कह रहा है, उत्तराखंड या फिर उसके आसपास के इलाकों में अगर हम बिजली बनाना चाहते हैं और ये खतरा मंडरा रहा है, तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए. उसको करने का तरीका है कि हमें उसके ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, और उन कुछ ऑप्शंस में मुझे फिलहाल के लिए जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ये रिपोर्ट लास्ट जो ये सॉल्यूशन है वो लास्ट ईयर के हैं, उसके हिसाब से ग्रीन हाउस जो बाय मिस्टेक जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो एक बड़ा सॉल्यूशन समझ में आता है. बट उसको वो भी अभी बड़ी स्टेप वन में है, अभी बहुत ही नाइव सॉल्यूशन है, अभी उसको डेवलप होने में समय लगेगा. सेवरल एनवायरमेंटलिस्ट रेजिडेंट्स ऑफ रीजन से दैट प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स बीइंग बिल्ड बाय प्राइवेट कंपनीज अलॉट ओनली अ लिमिटेड परसेंटेज ऑफ देयर प्रोड्यूस पावर फॉर द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. सो जो बिजली का संकट है उसको रिजोल्व करने के लिए गवर्नमेंट को मिटिगेशन करना चाहिए, मीडिएट करना चाहिए उन कंपनीज के बीच में जो एनर्जी वहां पे देते हैं, और उनके लिए कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए. तो फिलहाल के लिए इन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए सेवरल एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट से दैट द सेंट्रल हैज फ्रीक्वेंटली चेंज्ड इट्स पोजीशन एंड विल कंटिन्यू टू प्रायोरिटाइज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द रीजन इवन इफ इट इज कम टू अ हैवी एनवायरमेंटल कॉस्ट. तो सोल्यूशन के हिसाब से तो उसमें कुछ खास बताया नहीं गया है, पर प्रेजेंटली गवर्नमेंट इसको स्टेट्स के और जो पावर प्रोजेक्ट लगाने वाली कंपनीज है इंक्लूडिंग एनटीपीसी, अगर वो किसी अच्छे सोल्यूशन पर निकलते हैं तो कुछ दिनों में हमें उसके ऊपर न्यूज मिलेगी. क्योंकि वो कह रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट ने कहा कि 2200 मीटर से ऊपर के पहाड़ों पर आप पावर प्रोजेक्ट ना लगाएं. तो फिलहाल के लिए एक सॉल्यूशन नजर आता है ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में, और दूसरा कि 2200 से ऊपर अगर हम प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते तो 2200 तक तो लगा सकते हैं, इसको भी हम एक सॉल्यूशन की तरह ले सकते हैं. नाउ कंक्लूजन क्या है, दो द सेंटर इज कमिटेड टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिकॉज इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ पावर, बट द इकोलॉजिकल डैमेज ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट इन हिमालयन रीजन कंबाइंड विद अ रिड्यूस कॉस्ट ऑफ सोलर पावर मीन्स दैट गवर्नमेंट शुड नॉट फेवर एनी फर्दर ग्रीन फील्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन दिस रीजन. खैर ये समझ जो आप हमारी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ पावर का जो मुद्दा है वो देखने वाला है कि हमें सोलर पावर कितना इम्पैक्टफुल है, हमारी विंड एनर्जी कितना इम्पैक्टफुल है, और कहने के लिए GS2 जो अभी आ रहा है वो कितना इम्पैक्टफुल है. अगर ये इम्पैक्टफुल हो जाता है तो हमारी समस्या का सोल्यूशन भी निकल जाता है. नाउ गवर्नमेंट शुड अडहेयर टू द रिकमेंडेशन मेड बाय द एक्सपर्ट कमिटीज
दैट देयर शुड बी नो हाइड्रो पावर. यही एक सोल्यूशन अभी तक इस पूरी ये एक रिपोर्ट है जो द हिंदू की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं. फिलहाल के लिए सिर्फ एक यही सोल्यूशन मुझे नजर आया इस रिपोर्ट के हिसाब से. और दूसरा, हम काव आउट कर सकते हैं एज ए सिविल सर्विस एस्पिरेंट, विच इज GS2. ये एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है. तो फिलहाल के लिए हमने ये समझा कि हमारे माउंटेन सिस्टम में हिमालय का क्या पोजिशन है, उसके साथ साथ वो नया पहाड़ है, उसके साथ साथ वो सिस्मिक जोन में है या नहीं, और जो उसके ऊपर अभी तक इम्पैक्ट हुआ है कमिटीज के बनने के बाद और फ्लड्स के आने के बाद, उससे एक बात तो तय है कि फिलहाल के लिए अगर कोई भी पावर प्रोजेक्ट यहाँ लगाया जाता है वो एक खतरे की दिशा में एक और कदम हो सकता है. क्योंकि ये नया पहाड़ है तो वहां पे जो प्रॉब्लम है, जो सिस्मिक प्रॉब्लम है या फिर जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो बनी ही रहेंगी. सो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि आने वाले टाइम में जब सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा तो हमको पता चलेगा कि वो और कौन से टर्न है जो लिए जा सकते हैं, और जोशी मठ ही नहीं आसपास की कौन कौन सी ऐसी जगह है जिनको बचाया जा सकता है. क्योंकि अगर आप ध्यान दें कि उत्तराखंड का पूरा ही इलाका, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहां पे ट्रैकिंग होती है, या आसपास के जो कर्णप्रयाग का भी आज नाम आ रहा था, तो वो सारी जगह इन सब चीजों से इफेक्ट हो सकती है नेगेटिवली. तो आने वाले टाइम में हम समझेंगे कि एक्चुअली हम अपनी हिमालयन इकोलॉजी को कैसे बचा सकते हैं. सकता है इसके ऊपर बड़ा पॉइंट है, बहुत डिसाइडिंग पॉइंट है जो इस साल की मेंस में हमें दिखने को मिल सकता है. सो आई होप कि आपको ये मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी. अगर आपको पसंद आई तो प्लीज कॉमेंट मी बैक, गिव मी अ बिग थम्स अप, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक तैयारी करते रहिए.